नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं आपके साथ गौरव कुमार। हरियाणा में पंचायतों का गठन हो चुका है, लेकिन सरपंचों की तरफ से ई टेंडरिंग प्रणाली को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे ई टेंडरिंग प्रणाली क्या है और सरपंच इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इस ई टेंडरिंग प्रणाली को लेकर सरकार का क्या कुछ रुख है। आपको बता दें कि पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने ई टेंडर प्रणाली बनाई है। इसके तहत 2 लाख रुपए से अधिक के कार्यों के लिए ई टेंडिंग जारी की जाएगी, जिसके बाद अधिकारी ठेकेदार के माध्यम से गांव का विकास कार्य कराएंगे। इसमें सरपंच विकास कार्यों की जानकारी शासन को देंगे, जिसके बाद सरकार ठेकेदार से ई टेंडिंग के जरिए विकास कार्य कराएगी। सरकार का दावा है कि इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आएगी। ये सरकार ने तोड़ मरोड़ गए और मजबूर कर देंगे। हमारी मांग मांगन नहीं हर जाएंगे, फिर भी नहीं मान दे तो 24 में जो राइट टू रिकॉल है उसकी चाबी हमारे हाथ में है, 1 मिनट में ला जाएंगे, रोड पे बैठे बैठे रहोगे। अब हम आपको बताते हैं कि सरपंच ई टेंडरिंग प्रणाली का क्यों विरोध कर रहे हैं। हरियाणा के सरपंचों का कहना है कि सरकार द्वारा लागू की गई ई टेंडर व्यवस्था पंचायतों के कामकाज में बाधक साबित होगी। साथ ही उनका कहना है कि सरपंच पहले अपने स्तर पर गांव के लिए 20 लाख रुपए तक के विकास कार्य करा सकता था, लेकिन इस व्यवस्था के आने के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायतों के सरपंच अपने स्तर पर 2 लाख रुपए तक के विकास कार्य करा सकेंगे। सरपंचों का कहना है कि इस व्यवस्था के लागू होने से गांव में पंचायतों का काम प्रभावित होगा। सरपंचों का मानना है कि ई टेंडर सिस्टम से विकास कार्यों में काफी समय लग जाएगा, जिसके चलते विकास कार्य प्रभावित होंगे। साथ ही उनका कहना है कि वह ई टेंडर सिस्टम को लागू नहीं होने देंगे। ई टेंडर करेंगे तो फिर इनके धंधे कैसे चलेंगे? ई टेंडर में धंधे तो चल नहीं सकते। कुछ सरपंच अच्छे हैं, उन्होंने काम करने शुरू कर दिए। आज की रेट में मैंने ताजा जानकारी ली है 1650 काम ऐसे जो अच्छे सरपंच हैं उन्होंने अपने काम कराने शुरू कर दिए। गांव के अंदर उनके काम शुरू हो गए हैं, कोई भ्रष्टाचार के उनके मन में नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस चीज को लेकर के विरोध पर अड़े हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरपंच और सरकार के बीच जारी घमासान कब तक जारी रहेगा। क्या सरकार सरपंचों को मनाने में कामयाब होगी या फिर सरपंच सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे और ई टेंडरिंग सिस्टम को सरकार को वापस लेना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे यानी गौरव कुमार को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।